नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरा भान, गायनोकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन विद अराउंड 35 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और आज हम बात कर रहे हैं दूरबीन की सर्जरी या लेप्रोस्कोपी से रिकवरी या ठीक होने के प्रोसेस के बारे में। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में छोटे छोटे कट्स लगते हैं, 5 से 10 मिलीमीटर के। इसकी अपेक्षा ओपन गायनी सर्जरी में 8 से 10 या 12 सेंटीमीटर का ओपन कट लगता है। डिपेंड करता है कि क्या सर्जरी आपके होने वाली है। तो जाहिर है जब छोटे छोटे कट्स लगेंगे तो जल्दी हीलिंग होगी, कम दर्द होगा और जल्दी आप अपने कामकाज करके वापस बैक टू वर्क जा सकेंगे। ये प्रोसीजर हम आपका जनरल एनेस्थीजिया में करते हैं, इसलिए आपको ऑपरेशन के दौरान बिल्कुल महसूस नहीं होता कि कुछ हो रहा है। लेकिन प्रोसीजर के बाद आपको अगले 1-2 दिन तक थोड़ा सा शोल्डर टिप पेन, पेट में क्रैम्प्स या पेट में अफारा या गैसी महसूस हो सकती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम आपका टमी, पेट इन्फ्लेट करते हैं, गुब्बारे की तरह फुलाते हैं एक गैस के साथ, ताकि सर्जरी आपके लिए सेफ रहे। ये यूजुअली 1-2 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। माइनर पेन किलर्स की कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है। जनरल एनेस्थीजिया के बाद कुछ घंटे तक आप थोड़ी सी डिजी, ग्रॉगी से फील कर सकते हैं और किसी किसी के गले में थोड़ी सी अजीब सी सेंसेशन, खराश सी हो सकती है, क्योंकि हम एक ब्रीदिंग ट्यूब डालते हैं आपको बेहोश करने के लिए। अगेन, ये अपने आप 2-4 दिन में सेटल हो जाता है, लेकिन कभी कभी पेन किलर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। आप अगले दिन से ही नहा सकते हैं क्योंकि हम आपके वाटरप्रूफ ड्रेसिंग लगाते हैं। खाना पीना, अगर माइनर प्रोसीजर जैसे कि डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी हुआ है या बच्चा बंद करने का ऑपरेशन हुआ है दूरबीन के थ्रू, तब आपको 3-4 घंटे के बाद हम फ्लूइड्स वगैरह देना शुरू कर देते हैं। पर अगर हमें आपकी मेजर सर्जरी कोई करी है कि जैसे टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी करी है या बड़ा सा फाइब्रॉइड निकाला है, तो उस केस में ज़्यादा टाइम तक खाली पेट रख के धीरे धीरे करके खाना पीना शुरू करते हैं। लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे डिपेंड करता है कि किस प्रकार की सर्जरी हुई है। अगर डायग्नोस्टिक सिर्फ ये देखने के लिए हुई है कि क्या बीमारी है, या माइनर प्रोसीजर जैसे बच्चे बंद करने का ऑपरेशन या थोड़े बहुत जाले हटाए हैं, या इवन एक्टोपिक का अगर एक ट्यूब निकाली है, तो अक्सर हम सेम डे या एक रात रख के आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। पर कभी कभी मेजर सर्जरी जब होती है, तब उसके साथ हमें आपको 2-3 दिन तक अस्पताल में रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। लेप्रोस्कोप का डायमीटर 10 mm होता है, तो आपका जो बेली बटन के पास, नाभि के पास का इंसिजन होता है, वो 1 cm का होता है यूजुअली, और साइड वाले यूजुअली 5 mm के होते हैं। और एक इंसिजन लगेगा या 4-5 लगेंगे, अगेन वो डिपेंड करता है कि हमने आपकी किस तरह की सर्जरी करी है। सिर्फ दूरबीन वाली देखने के लिए बीमारी करिए या बड़ी बड़ी चीज़ें उसमें से निकाली हैं। एक्सरसाइज, आप जैसे होश में आते हैं, हमारी रिक्वेस्ट रहती है कि आप करवट लें, एड़ियाँ मोड़ें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपनी एड़ियाँ चलाएं, अपने पैरों के फिंगर्स चलाएं, आप अपने नीज घुटनों को मोड़ें सीधा करें और थाइस को मोड़ें सीधा करें। ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं ताकि ब्लड क्लॉट्स ना बने। अगर आप ओवरवेट हैं, मोटे हैं या कोई और प्रॉब्लम्स हैं, लंबी सर्जरी है, तो फिर कई बार हम DVT पंप जो कि आपके घुटनों के नीचे टांगों में होता है, उसको फुलाता और कंप्रेस करता रहता है जिससे खून का बहाव बढ़िया बना रहे, वो भी कुछ घंटों के लिए हो सकता है कि हम दें। जहाँ तक चलने का सवाल है, जितनी जल्दी और जितना ज़्यादा आप चलें उतना ही आपके लिए अच्छा है। भारी वज़न उठाना, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं अगर मेजर सर्जरी हुई है तो कुछ हफ्तों के लिए अवॉइड करें। इंटीमेट होना भी डिपेंड करता है कि क्या सर्जरी हुई है दूरबीन से। डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी अगर आपके पीरियड्स के बाद हुई है, तो हम उसी साइकिल में आपको बोलते हैं कि ओवुलेशन के टाइम पे अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अपनी लाइफ रिज्यूम कर सकते हैं, ताकि प्रेगनेंसी उसी साइकिल में ठहर जाए तो भी हम बिल्कुल खुश रहते हैं। किंतु अगर आपकी टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी हुई है, उसमें पेट के ज़रिए हमने नीचे के एरिया में स्टिचेस लगाए होते हैं, इसलिए हम 3 मंथ्स तक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी मैरिटल लाइफ न रिज्यूम करें।
आप कब काम पे वापस जाएं, ये डिपेंड करता है आपकी क्या एज है, आपको और क्या कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे शुगर के मरीजों में, ऑटो इम्यून डिजीज़ में, खून की कमी वालों में हीलिंग थोड़े लेट होती है। आप क्या काम करते हैं, जैसे कि मेरे एक पेशेंट थे, कथक डांसर टीचर थी और उन्होंने बड़ी जल्दी काम रिज्यूम कर दिया तो उनकी कुछ प्रॉब्लम आई। तो ऐसा है कि हर एक के लिए नहीं है कि आपको क्लियर रिटर्न टू वर्क कर लें, वो आपके प्रोफेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी सिटिंग कंप्यूटर जॉब है तो आप बहुत जल्दी काम पे जा सकते हैं, अगर आप डांस टीचर, स्पोर्ट्स टीचर हैं तो फिर आपको ज़्यादा टाइम तक काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी, मे बी 4 to 6 weeks ऑल्सो। पर ज़्यादातर लोग हफ्ते दो हफ्ते में अपने काम पर रिटर्न कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी सेफ जाएगी और आप जल्दी से रिकवर करेंगे। इसी के साथ हम आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर ये फायदेमंद रहा वीडियो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू आवर यूट्यूब चैनल गायनीपीडिया। बाय बाय।